कैच लिया और गुड्डू का झटका लगता हुआ। तो इस तरह जो बार बार झटका लग रहे, क्या कारण है नदीम जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सोच क्या होगा कि औसतन की पारी खेलेंगे, इसलिए कोई रुकना नहीं चाह रहा है, समय नहीं देना चाह रहा है। टीम का जो जो जरूरी है वो कुछ करके कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं दिखा पा रहा है। और खिलाड़ी का जो निर्णय था बाजपा के खेल के टॉस से पहले जो खेली जाने का निर्णय लिया वो कहां तक साबित होगा वो आने वाला समय बताएगा। इसलिए चाहिए कि ये राह ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख के माधोपुर की टीम। ये खिलाड़ी गई काफी शानदार मैच, उनका जो ट्रैफिक था शानदार ट्रैफिक रहा है लीग मैच में, वैसे ही काफी फाइनल में अपना एक ट्रैफिक का जो लक्ष्य रहा है उनका 50-18 हजार दौड़ाने का, वो फिलहाल देखने से देखते रहिए उनका शानदार बैटिंग स्क्रीन चार चौकेट में। अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में जमीन जमीन डॉक्टर डॉक्टर है और पिछले मैच के साथ हीरो भी रहा जमीन, और वही अंदाज पीछे लपके जाते जहीर खान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, जा जोरदार शानदार प्रयास किए इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में अंदौली की टीम। तभी तक अचानक तीर को पांचवा झटका विष्णु के रूप में लगा, तो पांच जो प्लेयर है वो ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा रहे हैं। अभी भी 45 के स्कोर पे बोर्ड लटका हुआ माधोपुर की टीम, तो देखते हैं राजकुमार क्या फिर से इसी बोर्ड से झटका लेते हैं या नहीं। वही से जही चांद छक्का लगाते आ रहे हैं, वही राज बैक टू बॉल खेला, अच्छी बॉलिंग अच्छी पारी के साथ ओवर की समाप्ति। तो दो विकेट लिया मेरा नवारो दो विकेट, वाह 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 शानदार शानदार। ये जो ओवर निकला है वो मेरा ओवर निकला है और इस मेरा राजकुमार बहुत अच्छा बॉलिंग कहा जाए।